हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, 11 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 12 और 13, जो कि आपका कहां से कहां तक होगा। तो आपके पार्ट नंबर 12 आपका 265 से लेके 300 तक है, ठीक है। अभी 301 कह लो, वहां तक आपका दिया हुआ है। दूसरा आपका पार्ट नंबर 13, जो आपका 301 से लेके 307 तक दिया है। याद रखना, अभी हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, वो सब कुछ आपका खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप एमसीक्यू के पेपर्स में जाओगे तो इन आर्टिकल्स के अलावा आपको एमसीक्यू से कुछ और पूछ सकते नहीं है, ठीक है। ये आप अपने माइंड में फिट कर लेना पहली बात। तो आज देखते हैं पार्ट नंबर 12 में क्या है। तो पार्ट नंबर 12 में दिया हुआ है कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इनको लेके स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो इसकी पहली आर्टिकल में दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन, मतलब आपको पूछा जाएगा कि भाई फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट को लेके कौन सी आर्टिकल में जो हुआ या फिर किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 264 में दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन। 265 में क्या दिया हुआ है, द टैक्स विल बी नॉट इम्पोज। देखो, कोई भी टैक्स होगा ना, कोई भी टैक्स हो, चाहे पार्लियामेंट बनाए या स्टेट बनाए, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें प्रावधान दिया हुआ, क्या पता है कि वो तब तक इम्पोज नहीं की जाएगी जब तक वो स्टेट्स की विधानमंडल से या पार्लियामेंट के अंदर संसद से पसार ना हो जाए। एक बार अगर इन दो जगह से निकल के लॉ बन जाता है तब जाके वो उससे आप टैक्स ले सकते हो, अदरवाइज आप टैक्स नहीं ले सकते, क्लियर। यहाँ पे अगर आपको बात करूँ तो जीएसटी की, तो जीएसटी पहले संसद से पसार हुआ और उसके बाद सब राज्यों ने उसको अपनाया, क्लियर। तो इस तरीके से हमेशा चलता है, क्लियर। चाहे अगर स्टेट को बनाना हो तो विधानमंडल से उसको पहले सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर इसको कह लो कि लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, उसको वहां से पूरा पसार करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अपने विधानसभा से, कहां से, विधानसभा से उसको पसार करना पड़ेगा, किसके अंदर, राज्य के अंदर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, उसके बाद प्रेसिडेंट, ये प्रोसेस कॉमन होता है और ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब आ जाओ 266 में, इसमें क्या दिया हुआ है, संचित निधि, ये वो कॉन्सिलेटेड फंड, ठीक है। ये वो फंड होता है जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के टाइम भी समझाया था, सुप्रीम कोर्ट के जज के टाइम भी समझाया था। ये वो चीज़ें होती है जिसके अंदर हम लोग टैक्स देते हैं, और ये टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, तो आपका आरबीआई में जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्सिलेटेड फंड या फिर संचित निधि उसको कहा जाता है, ठीक है। ये फंड होता है मोस्ट ऑफ कहाँ से आता है, तो टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, जो मैंने बताया। दूसरा कि प्रॉफिट हमने कमा लिया तो उसका आता है, कहीं से फीस ले ली तो उसका कहाँ जाता है, आरबीआई के पास जाता है। दूसरी चीज, अब जो आरबीआई के पास ये पैसा पड़ा है ना, इस पैसे का काम क्या होगा, तो इस पैसे का काम आता है, हमारे लिए काम आता है, किस तरीके से, बजट बनाया जाता है, ठीक है, सैलरी दी जाती है। इन सैलरीज के अंदर याद रखना कि विल नॉट स्टॉप इन एनी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए देश के अंदर, कुछ भी हो जाए, संचित निधि से या फिर कॉलेजिटी फंड से देने वाला कोई भी पैसा सैलरी के रूप में, वो कभी बंद नहीं रहेगा, क्लियर। इसके अंदर आपकी मोस्ट ऑफ हायर पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस, तो मोस्ट ऑफ सीनियर उसके अंदर, जहाँ से आपको संचित निधि से आपको अगर वो सैलरी दी जा रही है, तो मतलब इतना समझ लो कि आपकी सैलरी लाइफ टाइम बंद नहीं होगी। लाइफ टाइम मीन जब तक आपका उस टर्म एंड कंडीशन के अंदर जो कुछ भी आपका काम काज चलता रहेगा, तब तक उन सैलरीज के ऊपर पाबंदी नहीं लग सकती, क्लियर। दूसरी चीज, इनका किस तरह से काम आता है कि अगर हमको गिफ्ट देना है, अब जो गिफ्ट का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ओके, बट आप एक चीज समझो, ये गिफ्ट में आपको दो तीन प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। पहला प्रावधान होता है कि अगर किसी दूसरे अन्य देश में किसी भी तरीके की आपदा आ जाती है, आपदा आ जाती है मतलब फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो हम लोग ऐसे गिफ्ट के रूप में उनको डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो डोनेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, हमने गिफ्ट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल को अगर इतना रुपए गिफ्ट में देना चाहती हैं, तो उसका प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 266 के अंदर उसका प्रावधान दिया हुआ है कि हम लोग गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी लोन को एंड करना हो, ठीक है, अगर हमने किसी दूसरे देश से अगर हमने पैसा लिया हुआ है, ठीक है, और हम हम चाहते हैं कि उसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं, तो उसका पैसा कहाँ से जाएगा, आपका कॉन्सिलेटेड फंड से जाएगा, संचित निधि से उसका पैसा आपका जा सकता है, ठीक है, क्लियर। और पैसा इशू कौन करेगा, आरबीआई, कहाँ इशू कौन करेगा, आरबीआई उसको इशू कर सकता है, और कोई इसको इशू नहीं कर सकता है, क्लियर। अब आ जाओ
सेवन में, 266 में क्या दिया हुआ है, कौन सी गेट इस, तो इसका जो वर्ड है ना वो टिपिकल आपको लग रहा होगा, इंडिया के लिए इतना समझ लो कि ये इमरजेंसी फंड होता है, इसको इशू करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर सकता है, उसके पास उसी की पावर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर सकता है। और इसका जो मामूली जो कह सकते हैं ना वो कितना होता है पता है, 500 CR, कितना, 500 करोड़ उसके अंदर इमरजेंसी फंड के अंदर पड़ा होता है। और ये तकरीबन 20,000 करोड़ जितना चाहिए उतना इश्यू हो सकता है, बट कब, इमरजेंसी की सिचुएशन में इसको इशू किया जाता है, अदरवाइज इसको इशू करना नहीं किया जा सकता, क्लियर। और एक चीज, इसको डायरेक्ट कौन इशू करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर, प्रेसिडेंट ऑफ, राष्ट्रपति इसको इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता इस चीज को, क्लियर। दूसरी चीज, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ये 500 करोड़ खत्म हो गए, खर्च हो गए, तो ये प्रेसिडेंट साहब सीधा आरबीआई से मांग लेंगे और आरबीआई विदाउट एनी कंसल्टेंसी इसको वापस दे भी देंगे, क्लियर। तो ये इमरजेंसी का फंड है ना, ये प्रेसिडेंट के अंडर रहता है हमेशा, 500 करोड़, क्लियर। अब आ जाओ अपना आर्टिकल नंबर 268 में, 268 में टैक्स बाय यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको मार्क किया, बाकी इसके बाद आपकी 269 से लेके 279 जिसमें आपका नीडिड प्रोसीजर आता है, कहीं नहीं कहीं ये आपका पार्लियामेंट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा सबको इंक्लूड करके इसके अंदर आ जाता है, इतना कुछ खास है नहीं ये, बट इसके बाद आपको समझना ये होगा जीएसटी वाला, ठीक है। और जीएसटी का इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर में डिटेल में बता दूंगा, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि जीएसटी का क्या 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 टर्म्स आते हैं, किस तरीके से होता है, क्योंकि हम लोग अभी है ना, हम लोग बंधारण पढ़ रहे हैं और बंधारण मतलब कहीं ना कहीं एक लॉ की लैंग्वेज आ जाती है, तो लॉ की लैंग्वेज में अगर आपको मैं ये पूरा समझाऊंगा ना कि गुड एंड सर्विस टैक्स को क्यों लिया जाता है, क्या रीज़न है, किसी का प्रावधान में कहाँ कहाँ चेंज हुआ, किस किस रीज़न से लिया जाता है, कितना परसेंटेज, 18% टैक्स किस रीज़न से लिया गया, पहले 21 था तो अभी कहाँ कहाँ चेंजेस हुए, किस तरीके से चेंजेस हुए, वो आपको यहाँ बताऊँगा। अभी हम देखते हैं कि ये 268 में क्या है, 268 में ये बताया गया है कि भाई जो यूनियन है कुछ टैक्स का प्रावधान रख देगी कि भाई आपको यहाँ यहाँ से टैक्स लेने हैं, ठीक है, आपको ये डिपार्टमेंट से टैक्स लेने हैं, बट वो टैक्स को कलेक्ट कौन करेगा, तो स्टेट कलेक्ट करेगी, क्लियर। बहुत ऐसे प्रावधान होते हैं जिसके अंदर ये पावर्स दी गई है, बट ये प्रावधान 268 में दिया गया है, ओके। अब आ जाओ यहाँ से लेके जीएसटी को मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, बट इसके बाद आपकी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आती है जो कि आपकी फाइनेंस कमीशन, जो आती है आपकी 280 के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, 280 के अंदर आती है। और इसमें अभी आपके राइट नाउ फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो एन के सिंह है, जो 2020 में लगे थे, 25 तक रहने वाले हैं, क्लियर। एक और चीज, इसे नियुक्त कौन करता है या फिर इसको बनाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बनाते हैं इनको, कितने साल के रहते हैं, तो 5 साल के रहते हैं, हर 5 साल में चेंज होते हैं। इनका मेन काम क्या है, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स को डिवाइड करना है, क्या करना है, टैक्स को डिवाइड करना है, याद रखना। और अभी क्या टैक्स का भाव चल रहा है या फिर अभी किस तरीके से बंटवारा किया हुआ है, तो 43% का बंटवारा है, कितना, 43% का, मतलब अगर स्टेट कोई भी टैक्स सेंट्रल को देती है तो सेंट्रल रिटर्न में उसको 43% वापस दे देती है, क्लियर, समझ में आया, याद रखना। इस जगह पे प्रावधान नहीं दिया हुआ, इस जगह पे क्या कहा है कि यूनियन के पास जो निधियां हैं, यूनियन जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स ले सकती है वो वहां पे खुद आके नहीं ले सकती, इसलिए वो स्टेट को कहती है कि तुम लेके हमको दो, क्लियर। बट कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि आप स्टेट वाले डायरेक्ट सेंट्रल को कुछ ना कुछ रूप में टैक्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो अब जगह पर सारा का सारा टैक्स लेके, जैसे गुजरात है, गुजरात अपने गुजरात के अंदर 7 करोड़ से 6 करोड़ तक जनता है, ठीक है, उन 6 करोड़ 7 करोड़ जनता अगर अपना कोई भी टैक्स इशू कर रही है या फिर टैक्स दे रही है तो वो स्टेट को दे रही है, और स्टेट कहाँ दे रही है, सेंट्रल को, तो मतलब स्टेट के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो स्टेट को इंडिया के वापस सेंटर के पास पैसा मांगने जाने पड़ेंगे, तो वो ना करना पड़े इसलिए सेंटर क्या करती है, वहाँ से उनको जांच पड़ताल करके 43% वापस दे देती है, क्लियर। ये कौन करती है, फाइनेंस कमीशन करते हैं। अभी उनके हेड कौन है, तो एन के सिंह है, कब तक रहने वाले हैं, 2025 तक रहेंगे। कि नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, कब तक हो सकते हैं, तो 5 साल तक रह सकते हैं, चाहे कोई भी आए, क्लियर। अब कुछ चीज़ों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, 292
क्या है 292, बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द गवर्नमेंट, किसी और देश से अगर हमने लोन लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बात की थी, 266 में क्या बात की थी कि लोन को एंड करना हो। 92 में क्या कहा है कि अगर हमें किसी देश के ऊपर से लोन लेना हो तो अभी हमारे ऊपर कम से कम 5.6 कुछ अपने ऊपर बिलियन का कर्जा है। कितना बिलियन का कर्जा है राइट नाउ, ओके। और ये बढ़ता ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये लोन लेना अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखो लोन लेना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। बट बैंक करप्शन होना वो गलत चीज़ है। क्यों पता है कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ, बड़ी बड़ी लोन ले लूँ, ठीक है, एक साथ मैं बहुत बड़ी लोन ले लूँ, सपोजिट के मैं ले लूँ कम से कम 1 करोड़ की लोन, ठीक है। तो 1 करोड़ की लोन ली मैंने, अब मुझे बैंक को देने हैं पता है कितने, ठीक है सर। सपोज कि मैंने 1 करोड़ की बैंक ली, 1 करोड़ की मैंने लोन ले ली, ठीक है। मैंने बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस को मैंने बेच दिया 5 करोड़ में। कितने में? मैंने उसको बेच दिया 5 करोड़ में। मैंने लोन ली थी 1 करोड़, उस पर ब्याज लगा और वो हो गए 2 करोड़। कितने? 2 करोड़। तो कितना हो गया? अब मेरे जो कंपनी बनाई थी 1 करोड़ में, उस कंपनी को मैंने 5 करोड़ में बेच दिया, मेरे को लोन के देने हैं 2 करोड़, मैंने 2 करोड़ दे दिए, फिर भी मेरे पास 3 करोड़ बचते हैं, ठीक है। तो लोन लेना अच्छी बात है, बट अगर आप बैंकरप्सी में गए तो आपको 1 करोड़ के 2 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं, और 2 से आपके वो कम से कम 5 तक भी पहुंच सकते हैं, जो आपको बैंक को रिटर्न करने पड़ेंगे एज ए इंटरेस्ट, क्लियर। बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो में लोन लेना अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा आइडिया हो तो, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलता है, क्लियर। ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी और के पास से लोन ले सकती है। दूसरी चीज 293 के बोरिंग बाय द स्टेट, मतलब कोई आंतरिक स्टेट, स्टेट टू स्टेट अगर इशू कर दे, स्टेट टू स्टेट कोई पीछे मांग ले तो भी कर सकता है। अगर दूसरा स्टेट किसी और राज्य को कहता है कि भाई हमको इतने पैसे की इशू कर दो, या फिर दोनों के बीच में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तब उनकी मांग होती है कि भाई आप लोग इतना भी सपोर्ट कर दो, हम लोग आपको अगले साल पैसा रिटर्न कर देंगे, तो स्टेट टू स्टेट भी आप कर सकते हो, क्लियर। अब आ जाओ 300A, जो आपकी पार्ट नंबर 12 की लास्ट आर्टिकल है, जो 300A में क्या दिया, वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो भी कानूनी अधिकार बन चुका है। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, तो मैं आपको डिटेल में मैंने बता दिया था कि इसको निकालने का रीज़न क्या था, इसको कानूनी करने का रीज़न क्या था, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला, क्लियर। तो ये हो गया आपका पार्ट 12 पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। हम लोग पता है हमको कितना पढ़नी, टोटल हमको कम से कम 395 के आसपास, या कह लो 444, अगर इनके अंदर आप क क ख ग या 1 2 3 आप ऐड करते हो तो वो पहुंचती है 444 तक। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में वो कहाँ तक है, तो 395 तक है। कहाँ तक है? 395 तक। और अभी हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 300 कंप्लीट कर लिया है, क्लियर। तो हमने लगभग अगर परसेंटेज में गिना जाएगा तो हमने कम से कम 75-80% का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, क्योंकि अब हमारे रहते हैं कुछ 95 आर्टिकल्स ही बाकी रहते हैं, उसमें 7 आर्टिकल भी आज के आज खत्म हो जाएंगे, क्लियर। तो इसमें पार्ट नंबर 13 में क्या कहा है पता है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। क्या है? आपको भारत देश के अंदर आंतरिक राज्यों में या अपने पर्टिकुलर राज्य के अंदर स्वतंत्रता होगी कि आप ट्रेड कर सको, कॉमर्स कर सको, कुछ भी कर सको, आपको कोई भी व्यापार करने की अनुमति होगी। किसमें है? आर्टिकल नंबर 301 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 301 में क्या कहा है कि आपको हर चीज़ को ट्रेड करने की, हर चीज़ को कुछ भी करने की आपको स्वतंत्रता है, क्लियर। बट कुछ चीज़ों में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाले हुए, किस तरह से डाले हुए? अब वो देखो पहले मैं ये बोल दिया कि फ्रीडम है आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है चलो भाई, अब से हम कल से ड्रग्स बेच शुरू कर देंगे, तो आप कल से ड्रग्स नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शन की पावर्स नीचे दी हुई, किस तरीके से वो समझ लो। 302 में क्या कहा है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट द टर्म एंड कंडीशन, मतलब कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है कि कुछ ट्रेड या कुछ ऐसी कमर्शियल चीज़ें या कुछ कॉमर्शियल चीज़ें जिनके ऊपर अगर लगता है कि भारत सरकार को नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, किसका है? नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, तो वो उनको बैन कर सकती है, ठीक है, इनको बैन कर सकती है, क्लियर। दूसरी चीज़ 303 में क्या कहा है कि रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जो है ना रिस्ट्रिक्शन अबाउट स्टेट पावर्स, स्टेट पावर्स को कुछ पावर्स उनके पास से खींची जाती है, किस तरीके से? मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि अगर भारत सरकार ये कह दे, अभी कोरोना का चल रहा है, ठीक है, और भारत सरकार ये कह दे कि भाई एक काम करो, जो स्टेट वाले हैं
और उनको हर वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है, मतलब स्टेट के रहने वाले हर इंसान को वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है कर दिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है। बट अगर उनकी स्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोले कि नहीं हम लोग लगवाना नहीं चाहते, तो क्या होगा? तो उसके ऊपर आ जाएगा पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 303 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है बट नेशनल के लिए काम है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर राज्य के अंदर, सपोज इट कि हम आपको सिंपल एग्जांपल समझो, इन सबको भूल जाओ, ठीक है, आपको सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि अभी बीजेपी की बहुमत है, ठीक है, ओके, और उनको मध्य प्रदेश में कोई चीज़ का काम करवाना है, एमपी में कुछ काम करवाना है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज इट कि कांग्रेस की सरकार बन जाती है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो होगा क्या? तो बीजेपी कहेगी कि भाई अब पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए हम लोगों ने सब जगह सब के सब 28 राज्यों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने होंगे और हर चीज़ करनी होगी, बस जो वैक्सीन होगी वो ऊपर से इश्यू होकर नीचे आएगी, मतलब बीजेपी ऊपर से नीचे हर स्टेट को वैक्सीन अवेलेबल करवाएगी, बट वैक्सीन के बूथ बनाना, वहाँ पे कामगिरी करवाना, वहाँ पे डॉक्टर को अपॉइंट करना, हर वो चीज़ किसकी होगी? तो स्टेट की होगी। यहाँ पर अगर स्टेट मना कर दे तो हम लोग कह सकते हैं इनको, ये लोग मना कर देंगे ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर पास करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। क्लियर? अब समझ में आया? देखो, अगर यहाँ से स्टेट कोई भी चीज़ को मना करती है, स्टेट की पावर्स को यहाँ पे छीना जाता है, रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की पावर को छीना जाएगा, क्यों? क्योंकि आप लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे हो, ये समझ के उनकी पावर्स को छीना जाएगा, और पावर इशू किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उस चीज़ को इशू किया जाएगा। क्लियर? ओके, 304 में क्या कहा है? 304 में कहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, स्टेट बाय स्टेट ये चेंज होता है। सपोज इट कि यूपी के अंदर, कहाँ पे? आपके यूपी के अंदर दारू लीगल है पर हमारे गुजरात के अंदर दारू इनलीगल है, तो क्या होगा? तो ये होगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टेट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड बाय स्टेट टू स्टेट। एक स्टेट में लीगल है, दूसरे स्टेट में अनलीगल है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी नहीं चल सकती क्योंकि स्टेट का कानून आपको अलाउड नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है, गुजरात का बंदा जाके यूपी में दारू बेच सकता है, बट यूपी का इंसान या फिर यूपी का बंदा गुजरात में आकर दारू नहीं बेच सकता। क्लियर? इतना बात आपको खुद में आ गई, क्योंकि ये हर चीज़ में चेंजेस होता जाएगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट के ऊपर। क्लियर? वो 304 में दिया है, बाकी 305 से लेकर 307 तक में कुछ खास कॉमन नहीं है, मैंने पढ़ा है, या फिर आप भी पढ़ सकते हो, कुछ खास कॉमन दिया हुआ नहीं उसके अंदर, उसमें खाली एक आया कि कौन कौन सी ट्रेड करनी चाहिए। इंडिया के लिए आप इतना देखो ना, तो ये एग्जाम प्रस्तुत उसे आपको कहीं पूछा नहीं गया आज तक, ठीक है। आप अगर बहुत सारे एग्जाम्स देते हो या फिर एग्जाम में आपने एक्सपीरियंस लिया हो तो आपको पता होगा कि पार्ट नंबर 13 का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। आपको एग्जाम प्रस्तुत से पढ़ना हो ना तो आप इतना याद रखो कि पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6 इतना पढ़ लो, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आएगा पार्ट नंबर 14, 15, 16 इतना करना है, ठीक है। बाकी बीच में जितना कुछ अभी चल रहा है ना, वो सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड। आपको खाली इसमें भी याद रखने की जरूरत है ना, तो आपको आर्टिकल नंबर 280 को याद रखना है, एक आपको 266 को याद रखना है और दूसरा 267 को याद रखना है। क्यों? आपको ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी यादी है या ऐसा कौन सा फंड है जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को सैलरी दी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली फंड, ठीक है, सॉरी संचित निधि के अंतर्गत, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 266 और 267 आपको ये दो चीज़ों को याद रखना है, और एक ये चीज़ 380 को। क्लियर? बाकी इससे आज तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बस जहाँ तक मुझे याद आता है इससे आज तक कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, क्योंकि इसका रिलेटेड आंसर है ना आपको आर्टिकल नंबर 19 में मिल जाएगा, ठीक है, 19 के अंदर आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ कौन सा राज्य में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसके अंतर्गत आपको हर चीज़ पहले पढ़ा दी गई है, तो पार्ट नंबर 19 को पूछने का मुद्दा नहीं रहता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 12, ये हो गया पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 आपको कहाँ से कहा था? 264 से 300 तक है, और पार्ट नंबर 13 आपका 301 से 307 तक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।